हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट एंड वेरियस डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू दिस एक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, एज वेल एज इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस provisions in this act, provision in this act for prevention, control and abatement of एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट है, अंडर सेक्शन 7.1, नो पर्सन carrying on any industry, operation or process shall be permitted to discharge any environmental pollutant in excess of prescribed standard. ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, provisions की, जो कि related है किससे, prevention and control of environment pollutions। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 7.1 लिख देता हूं मैं, अंडर सेक्शन 7.1। ठीक है, तो किसी के पास अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस करना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक अ परमिशन फॉर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई ऑपरेशन, कोई प्रोसेस, तो इसके लिए पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ अप्रूवल, यू हैव टू टेक अ लाइसेंस, आफ्टर दैट यू कैन रन योर फैक्ट्री। ओके, और उसी के साथ अगर कोई भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट यू हैव टू यू वॉन्ट टू डिस्चार्ज, ओके, सो बिफोर यू हैव टू टेक अ परमिशन। सो यही फर्स्ट प्रोविजन है अंडर सेक्शन 7.1, नो पर्सन कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस शैल बी परमिटेड टू डिस्चार्ज एनी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। ओके, अंडर सेक्शन 1.1, नो पर्सन कैरिंग एनी इंडस्ट्री operations or process shall be permitted to discharge any environmental pollutant in excess of prescribed स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड वन इज अंडर सेक्शन 8.2, नो पर्सन शैल हैंडल हैजार्डस सब्सटेंस विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। ठीक है, अगर आप अपनी फैक्ट्री में कोई भी हैजार्डस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक अ प्रॉपर मेजर्स, आपको प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट एज वेल एज द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एक्ट, जो भी प्रोविजंस है, दैट प्रोविजंस दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज प्रोसीजर ऑफ द सेफ गार्ड, यानी कि जो भी सेफ गार्ड, यानी कि एक जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि इन इस तरीके की प्रैक्टिसेस को आप बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से कंटिन्यू करें, और जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं आपको वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 8.2, नो पर्सन शैल हैंडल हैजार्डस सब्सटेंस
without complying with the prescribed procedural safeguard. ठीक है, यानी कि जो भी required preventive actions हैं, that actions you must be follow while hazardous process is going on your establishment. So this is the provision under the section 8.2. After that, third one is under section 9.3, a person is responsible for mitigate environmental pollution and to intimate the fact of any occurrence relating to the environmental pollution to the concerned authority and also assist those authorities in preventing mitigating environmental pollution. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्या कि भाई सेक्शन 9.3 जो कि डिफाइन करता है पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिटिगेट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिसेस पाई गई है देन अ पर्सन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. यू हैव टू कन्वे, यू हैव टू इन्फॉर्म एज वेल एज यू हैव टू टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन विद द सपोर्ट ऑफ द हायर अथॉरिटीज हु हैज अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिन भी हायर अथॉरिटीज को अपॉइंट किया है उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा और उनके साथ जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उसमें आपको कॉपरेट करना है, पार्टिसिपेट करना है ताकि आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस को होने से रोक सको और उनके लिए अगर कुछ तरीके की कोई भी इंसिडेंट अकर हुआ है तो उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस ले सको. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 9.3 अ पर्सन is responsible to mitigate environmental pollution and intimate the fact of occurrence कि भी क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये incident occur हुआ. ठीक है, relating to environment to concerned authority and also assist those authority in preventing pollution. ओके, द एक्सपेंस इनकर्ड विद द रिस्पेक्ट टू रेमेडियल मेजर शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं फॉर दैट अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल हु इज इंड्यूरिंग इमर्जिंग इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ओके, कोई भी फैक्ट्री आप लगा रहे हो तो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. उस कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज. ओके, जो भी आप फैक्ट्री चला रहे हो उसमें प्रॉपर फैक्ट्री एक्ट के सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं. प्रॉपर मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू वहाँ पे क्रिएट ना हो. ठीक है, हैजार्डस प्रोसेस को चल रहा है तो वहाँ पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है. स्पेशल जो सेफ्टी गार्ड्स हैं यू हैव टू टेक इन, आफ्टर दैट यू कैन कैरी एंड प्रोसीड द हैजार्डस प्रैक्टिसेस. और जो हैजार्डस सब्सटेंसेज हैं उनको आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते. यू हैव टू ट्रीट प्रायर, पहले आपको उनको ट्रीट करना होगा तब जाके आप उनको डिस्चार्ज करोगे. यानी कि जो भी स्टैंडर्ड है उनको आपको फॉलो करना है, जो भी फैक्ट्री एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस बनाए हैं उनको फॉलो करना है. और इस तरीके का कोई केस हो भी जाता है तो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथॉरिटीज है, उनको इन्फॉर्म करना है, कारण बताना है कि भी क्यों इस तरीके की प्रैक्टिसेस हुई और क्यों ऐसा इशू क्रिएट हुआ. ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं यू हैव टू टेक इट एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट विद द हायर अथॉरिटी ताकि इस तरीके जो भी पॉल्यूशन है इसको रिजॉल्व किया जा सके. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड यहां पे हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? तो सबसे पहला है पावर ऑफ एंट्री
power of एंट्री एंड इंस्पेक्शन. तो जो उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, कभी भी आके एंट्री कर सकते हैं और कभी भी आपके प्लांट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव द पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर द लेजिस्लेशन. ठीक है, तो वो कभी भी आके आपकी एंट्री, आपकी प्रीमिसेस में एंट्री ले सकते हैं और किसी भी प्लांट, किसी भी डिपार्टमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. इंस्पेक्शन का उनके पास राइट है, दे हैव पावर. आफ्टर दैट सेकेंड वन इज पावर टू टेक सैंपल. पावर टू टेक सैंपल, वो किसी भी सब्सटेंस का सैंपल ले सकते हैं फॉर टेस्टिंग, ताकि उसकी वो टेस्टिंग करवा सकें, लैब में उसको टेस्ट करवा सकें और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो आपको फाइंड आउट हो जाए. ठीक है, तो सेक्शन 11 कंसीडर करता है पावर टू टेक सैंपल. सेंट्रल गवर्नमेंट इट्स ऑफिसर्स हैव द पावर टू टेक सैंपल ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फैक्ट्री और प्लेस फॉर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ठीक है, गिविंग नोटिस टू द ऑक्यूपायर और द प्लेस हिज एजेंट, कलेक्टिंग सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर, प्लेसिंग द सैंपल इन द सील्ड कंटेनर साइन बाय द ऑफिसर, ऑक्यूपायर और एजेंट. ओके, थर्ड वन इज पावर टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरी. पावर टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरी. सेक्शन 12 डिफाइन पावर ऑफ पावर टू एस्टेब्लिश लेबोरेटरी. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टेब्लिश एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज और रिकॉग्नाइज एनी लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट और एनवायरमेंटल लेबोरेटरी. ओके, टेस्टिंग के लिए. फोर्थ जो प्रोविजन है वो क्या है, फोर्थ वन है पेनल्टीज फॉर वायोलेटिंग ऑफ प्रोविजन दिस एक्ट. इस एक्ट का अगर कोई भी प्रोविजन फॉलो नहीं किया, उसको वायलेट किया गया, तो उस केस में पॉलिटी का पेनल्टी का प्रोविजन है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15.5, एनी पर्सन फेलिंग टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh rupees और बोथ. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.